किसका है? बाबा के पास कहां से आया? थारा हीरे का ब्रेसलेट गंगा के कुर्ते में कैसे आया? गंगा प्रसाद एक चोर था। इसका मतलब डंडे वाली आंटी सही थी, मेरे बाबा को कैलाशी ठकुराइन ने ही मारा है। पक्का बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, वरना वो ऐसे हाथ नहीं उठाते। जब जब उन्होंने हाथ उठाए मतलब वो किसी बात के लिए मना करना चाहते है ना हसबैंड जी? हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद के लिए भी तो उठ सकता है ना हाथ। अरे तो हाथ कंगन को आरती क्या? वकील जी आप खुद ही पूछ लीजिए ना, क्या कहना चाहते बाबू जी? महेंद्र ठाकुर जी, आपके मझले बेटे आनंद को आपका वारिस बनाया जा रहा है, इसमें आपकी मर्जी है ना? ये क्या हो गया आप लोगों को? हम उनकी धर्म पत्नी है, हम वही करवा रहे हैं जो वो चाहते हैं। पंडित जी आप क्या देख रहे हैं, आप शुरू कीजिए। जी जी जी, अब बारिश आएगी तब बहुत जल्दी भागेगी क्या छत पे? कुछ करो ना। रुकिए पंडित जी, हम आप खुश नहीं है क्या ये जानकर कि पिताजी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? हमें तो उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि वो बोलने लगे। वकील साहब आप पिताजी से फिर से पूछिए। ठाकुर साहब प्लीज बताइए, इस सब में आपकी मर्जी है? बाबूजी आपको आप ठीक हो रहे बाबूजी? अरे क्या हो क्या गया है आप लोगों को? वो क्या कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे कल तक उनका हाथ नहीं हिलता था, आज गर्दन हिलने लग गई। हम समझ रहे हैं वकील साहब, वो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है। बिल्कुल सही कहा मिस्टर ठाकुर, अभी आपने ही कहा कि ठाकुर साहब सोचने समझने की हालत में नहीं है, तो ऐसे में पूरी जमीन जायदाद का ट्रांसफर इनके हाथों से आपके हाथों में कैसे कर दें? ये सही नहीं होगा। मेरी सलाह यही है कि हमें इनके अच्छे होने का इंतजार करना चाहिए और फिर ठाकुर साहब खुद ही अपना निर्णय बता देंगे, है ना? एक मिनट वकील साहब, जो बात उनके दिल में है वही तो हम कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? पर कानून में उनके मुंह से सुना हुआ ही मान्य होगा। माफ कीजिएगा, चलता हूं। कितने स्वार्थी हो तुम माना। अरे बाबूजी यहां ठीक हो रहे हैं उसकी जरा से भी खुशी नहीं, और जायदाद गई उसके लिए गुस्सा कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने तो ठाकुर साहब को ऐसी दवाई दिलाई थी कि वो बिल्कुल ही डुल ना पाए, फिर ऐसा क्या हो गया जिससे ये ठीक होने लगे? और ये हमारी तरफ उंगली क्यों दिखा रहे थे? क्या कहना चाह रहे थे ये और किससे?
की डोरी, ये यहाँ क्या कर रही है? डरने वाली आंटी को सब बता दूंगी और फिर वही सबक सिखाएंगे ठाकुरान जी को। क्या हुआ? ठंड लग रही है ना? नींद नहीं आ रही है? बहुत तड़प रहे हो ना? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस तरह तड़पाना बंद कर दे तो एक बार बताइए ना, क्या कहा था आपने उस बच्ची से? बोलो क्या कहा था डोरी से, बोलो। मेरी पत्नी लेते वक्त इनकी पत्नी नहीं हूँ। ये काला राज सदियों से सिर्फ मेरे दिल में छुपाया हुआ था मैंने। ये इन्हें कैसे पता चला? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालने की? कैसे हिम्मत हुई? रुको। क्या आ गया? हिम्मत भी आ गई ना, लेकिन अब ना होश आएगा और ना ही हिम्मत। बस अब दम घुटेगा। क्या कह रहे हैं आप? हमने डोरी को भिखारी बना दिया। नानी जी, वो तो अच्छा है कि मानसी ने सही समय पे डोरी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता उस बच्ची के साथ। संकट है भैया, ये हमसे कैसा पाप हो गया? गंगा हमको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। कहाँ पाप हो गया? संभालिए अपने आप को। देखिए, इस बात को काफी समय हो चुका है, वो डोरी अब तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। नानी, बात, 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 बात,
रही हो? हमको सब पता चल गया। का? तू हमारी डोरी को भिखारी बना दी। तुझे जरा भगवान से डर नहीं लगा? नरक में छोड़ेंगे तू, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। वाह वाह वाह, लो देख लो, हाँ कर भला हो बुरा है। अरे हम तो तुम बुड्ढन का और बच्ची का मदद कर रहे थे। हमने सोचा दो चार पैसे आ जाएंगे तुम्हारे घर में, हमको का मालूम था कि वो जाकर बेच के आ जाएगी। हाँ एकदम चुप, अब तुमने कोई बात पे हम भरोसा नहीं करेंगे, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। हमको जाना है। अरे छोड़िए हमको, कहाँ 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 जाना है, किसको सत्यानाश करने जाना है? अरे नानी जी छोड़िए इसे, आखिर क्यों भाई? अरे काहे कानून को अपने हाथ में ले रही आप? इससे तो पुलिस ही निपटेगी। नहीं जी, हमें ये सोचना है इस वक्त कि डोरी कहाँ गई, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं आ गई। से कुछ कह सकती हूँ माँ? वो मेरा मतलब है माँ जैसी आंटी। आनंद ठाकुर बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो आप जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको उनका साथ क्यों चाहिए? आपके पति ने आपके लिए तोहफा भेजा है। मानसी बहू घूंघट तोड़कर मंडप में आती, वहां बैठती है, तुम हमसे कहते हो कि उसे तेज बुखार है, उसे वहां से खींचकर अपने कमरे में ले आते हो। हो गया, यही चाहिए था तुमको कि मैं बर्बाद हो जाऊं? हो गया मैं बर्बाद, और क्या चाहिए मानसी? विधवा बनोगी मेरी? वो तो आप पर है कि मुझे अपने विधवा बनाए या किसी और को अपनी सुहागन। इसका क्या मतलब है? मुझसे मतलब पूछ रहे हैं? एक तरफ किसी को मुझे मारने के लिए भेजते हैं, दूसरी तरफ किसी और औरत को मेरी जगह घूंघट में मंडप में लेकर आते हैं, और मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आप? अभी अभी मौका है आपके पास, आज अभी सब कुछ पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर देते आप? मुझे इस शादी को सब कुछ खत्म कर दीजिए ना। ठीक है, कर देते हैं खत्म। बहुत जबान खुली है ना तुम्हारी। आदमी जब चाहे हाथ खोल ले, पर औरत आंखें भी नहीं खोल सकती। पर चिंता मत कीजिए, आपका ये राज भी मेरी चिता के साथ जाएगा। कोई एहसान नहीं कर रही हो मुझ पर, ये सब जो हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने अपना पत्नी धर्म निभाया होता तो मैं बाहर जाकर के मुंह मारता? यश भाई साहब, ये क्या क्या कर रहे हैं? मुझे ये जानने नहीं दिया कि डोरी ठीक है, वो सही है। ये डोरी डोरी डोरी, दिमाग पकड़ा गया है मेरा, सुन सुन के डोरी।
इस पागलपन का ना एक ही इलाज है। ये क्या कर रहा? ऐसा मत कीजिए, मुझे टोरी का पता लगाना, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? आज के बाद ना डोरी तो छोड़ो, इस दुनिया के हर एक इंसान से तुम्हारा रिश्ता खत्म। इस बंद कमरे में चार दीवारी के अंदर मरो सड़ो कुछ भी हो, भाई जिंदगी यहीं पर खत्म। बहुत फड़फड़ा रही थी ना, पंख कैसे काटते हैं हमको अच्छे से आता है। पारवा लड्डू खिला रही हो तुम हमें, ये क्या कर रही हो? बस शुगर कराओगी क्या? आप तो खुशियां भी कंजूसी से मनाते हो। माना आनंद भैया को कुछ नहीं मिला, पर हमारा हाथ भी तो खाली रह गया ना। बाबूजी कल तो हमें गद्दी पर नहीं बैठा देंगे ना, हमारी किस्मत फूटी है सर। सबसे लास्ट में पैदा हुए, पहले नंबर पर काहे पैदा नहीं हुए, सबसे आखिरी में नंबर आएगा माँ। हमारे प्यारे हस्बैंड जी, हम बहुत छोटी है, छोटी नहीं लिख के ले लो, बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरे ठाकुरों की कुंडली बदलने वाली है। कुछ तो जरूर होगा। मैं हवा में महसूस कर सकती हूँ, हवा का रुख बदल रहा है, मोहरे अपनी चाले बदल रही हैं, जाल फेंका गया है, कोई फंसेगा तो कोई बचेगा, और एक बहुत बड़ा साया इस हवेली पर मंडरा रहा है, और उसकी काली परछाई जिस पे पड़ेगी वो रानी क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? देखा भाई कुछ? अबे कुछ नहीं है वहां पर यार, क्या देखा तुमने? कुछ नहीं है, देखो जी, हमने हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। हमने उस भूत को उस गुप्त कमरे की तरफ जाते हुए देखा, वो लाइब्रेरी वाला जो गुप्त कमरा नहीं, वहां पे हमें तो लगता है इस हवेली में कोई आत्मा वात्मा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ ने किसी को मारकर उस कमरे में लाश गाड़ दिया हो? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यहीं हमारे आस पास में और साथ में रहता है। और जो कैलाशी देवी है वो कैलाशी देवी नहीं है, कोई पहलू भी है ना? लपड़ देंगे तुम्हें, इसलिए कहते हैं रात भर पूरी रात अपनी खुद की रील मत देखा करो 100 बार। यार चलो यार, क्या दिमाग खराब कर रही हो? चल